दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। ईरान, चीन और इटली में कोरोना वायरस की वजह से महामारी के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। दरअसल कोरोना वायरस से दुनिया भर में दहशत का माहौल बना रखा है। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में एक हॉलीवुड स्टार के साथ उनकी पत्नी को कोरोना वायरस हो गया है। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट गंप, कॉस्टवे, कैप्टन फिलिप और द पोस्ट जैसी फिल्मों में काम कर चुके दिग्गज हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैक्स भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। बता दें कि इस एक्टर ने वायरस का टेस्ट करवाया, जिसके बाद उनका और उनकी पत्नी का टेस्ट पॉजिटिव आया है। जानकारी के मुताबिक इस एक्टर का नाम टॉम है। इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग के दौरान उन्हें ये वायरस लग गया। इसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगना और शरीर पर रैशेज पड़ने जैसी दिक्कतें हो रही है। टॉम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें इस वायरस की जानकारी दी गई है। उस पोस्ट में लिखा है कि वो अपनी पत्नी के साथ एक एल्विस प्रेस्ली फिल्म की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां से लौटते समय उन्हें सर्दी, थकान और शरीर पर रैशेस जैसी दिक्कतें होने लगी। हैक्स ने बताया कि इस तरह की चीज़ों को ठीक रखने के लिए हर जगह कोरोना टेस्ट हो रहा है। हमारा भी किया गया था और हम इस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया हेल्थ एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि ये वायरस टॉम तक कैसे पहुँचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉम एक कमाल के अभिनेता है और बता दें कि टॉम की फिल्म फॉरेस्ट गंप को ही हिंदी रीमेक करते हुए आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा बना रहे हैं। इस फिल्म का पहला लुक शेयर किया जा चुका है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।